नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आरोन में कांग्रेस के विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए जयवर्धन सिंह। जयवर्धन सिंह बोले, कांग्रेस कार्यकर्ता ही मेरा परिवार है। जैन मुनि एवं माता रानी के दर्शन कर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा स्थानीय वर्धमान कॉम्प्लेक्स में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आरोन एवं आसपास के गांवों से हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक जयवर्धन सिंह भी इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। ब्लॉक कांग्रेस के नव नियुक्त अध्यक्ष गोपाल सोनी ने जयवर्धन सिंह का शॉल श्रीफल से स्वागत किया। जयवर्धन सिंह ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी को अपना परिवार एवं कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने परिवार का सदस्य बताया एवं कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए पूर्ण बहुमत की कांग्रेस सरकार बनाना है। इसके लिए एकजुटता एवं निर्दयता के साथ मैदान में डट जाएं। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं के साथ प्रेम पूर्वक स्नेह भोज भी किया, पत्रकारों से रूबरू हुए। इस कार्यक्रम के उपरांत जयवर्धन सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ गुलाबगंज चौराहे पर पहुंचकर मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके पश्चात जयवर्धन सिंह नगर में आस्था के प्रमुख केंद्र बड़ा जैन मंदिर पहुंचे एवं अतिशयकारी मूल नायक श्री अरनाथ भगवान के दर्शन किए एवं आरती भक्ति की। इसके पश्चात जैन मुनि श्री विशद सागर एवं मुनि श्री निराकुल सागर महाराज के दर्शन किए एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर आरुण जैन समाज एवं ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष विजय डोडिया जी के नेतृत्व में श्री जयवर्धन सिंह जी का स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुनि श्री एवं जयवर्धन सिंह जी के बीच गाय एवं मूक पशुओं के संरक्षण आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। जैन मंदिर के पश्चात जयवर्धन सिंह नवरात्र पर्व पर नगर के विभिन्न स्थानों पर लगाई गई मां दुर्गा की झांकियों के दर्शन करने भी पहुंचे एवं माता रानी से प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी व कांग्रेस पार्टी से संबंधित सभी संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारे अनेक मुद्दे हैं, चाहे जो शेष जय किसान ऋण माफी रह गई थी उसको पूर्ण करने की बात हो, या फिर जो हमने घोषणा की है किस प्रकार से इंदिरा गृह ज्योति योजना के माध्यम से जनता को लाभ मिलेगा वो विषय हो, या फिर हम बात करें कि जो कल ही घोषणा हुई है कमलनाथ जी के द्वारा वचन पत्र का जब विमोचन हुआ था जिसमें उल्लेख किया गया है कि सरकार जैसे ही एक महीने बाद कांग्रेस की बनेगी तो हर किसान को गेहूँ का भाव 2600 रुपये का मिलेगा और धान का भाव भी 2500 रुपये का मिलेगा। ये क्रांतिकारी योजना है जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के हर एक परिवार को लाभ मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके कारण हमें पूरा विश्वास है कि इस बार मध्य प्रदेश पे बड़ा परिवर्तन होगा और कम से कम 150 सीटें को पहुँच करेंगे। जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती का आरोन में आज है तो हमारे जो रोजगार युवा हैं उनको रोजगार देना, उनको आत्मनिर्भर करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे कि जब पहले सरकार हमारी थी तो हमने उन 15 महीनों में निःशुल्क कोचिंग चलाई थी सभी बच्चों के लिए, उसको हम पुनः प्रारंभ करेंगे। इसके अलावा जो हमारे कुछ ऐसे छोटे गाँव हैं, मजरे हैं, जहाँ सड़क नहीं पहुँची है वहाँ सड़क वहाँ पर नामिकरण कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे शहर में भी कुछ ऐसी बस्तियाँ हैं, वार्ड एक जो बहुत बड़ा है और भी कुछ वार्ड ऐसे हैं 13-14-15 भी हैं जहाँ पे कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर ठीक से काम नहीं हो पाया है, वहाँ पर हम पूरा सीसी और ये सब काम कराएंगे। इसके साथ साथ हमारा ये भी पूरा प्रयास रहेगा कि जो पानी की जो व्यवस्था है उसको बेहतर करने के लिए कुछ हमारे डैम्स की योजना स्वीकृत हुई है, उनका DPR लगभग तय बन चुका है। किसानों के बीच जाकर उनको भी हम प्रारंभ कराएंगे। इसके साथ साथ हमारे कुछ ऐसे भी जगह हैं, कुछ स्थान हैं जहाँ पर आज भी फीडर की डिमांड है ताकि जो विद्युत आपूर्ति है और बेहतर हो जाए, उसके लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। देखा गया है कस्बा मंडी में आपकी विधानसभा विधायक निधि से 188,000 का बोर लगना था कस्बा मंडी के मनोरापुरा ग्राम में, लेकिन बोर आज तक नहीं लगा है। नहीं, उसमें वहाँ के लोगों को आज तक उसमें मैं तो खुद वहाँ पर बोर देखा है। मैं जब अभी गर्म मनोरापुरा तो वहाँ पर एक मोहल्ले में तो वहाँ पर बोर था और वहाँ पे देखो मूल बात ये होती है कि विधायक मत से जो काम होता है वो पंचायत पर जाता है, उसके बाद पंचायत और PHE है उनका दायित्व होता है। मैं तो खुद
मदरापुरा गया था, वहाँ जहाँ मैं देखा था वहाँ पर हैंडपम्प था, चल भी रहा था, शायद एक और कोई ऐसा पंप होगा जो शायद मनोरपुरा में था, आज भी नहीं लगा है निर्माण एजेंसी वो पैसा दास निकाल ली है। मनोरपुरा में जहाँ तक मैंने देखा था, जब मैं गया था वहाँ पे, जिसका लोकेशन एक तो कंट्रोल के समीप लगना था, एक तो बोर्ड था वहाँ पे बंजार बस्ती में गया था। सर एक और की बात करेंगे, मैं और चेक करूँ, 2018 से स्वीकृत है, एक तो है वहाँ पे बोर्ड सर, कांग्रेस एक और का अहिरवा जी हमारे पुराने शुभचंदक है, मनोज वहाँ जनता परेशान हो रही है, जनता का आप पे एक कठोर विश्वास है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैंने वहाँ पर एक बोर कराया था, अब वहाँ पे दूसरा बोर कौन सा है कैसे मैं वो मैं चेक करवा लूंगा। गुना से खबर समय जगत के लिए सौरभ जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.